देखा आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का संविधान वाला स्टंट तो आपको याद ही होगा। जी हां, वही संविधान जिसकी किताब लेकर राहुल गांधी हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे वो सदन हो या फिर कोई रैली, हर जगह राहुल हाथ में संविधान की किताब थामे दिखते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी हथियार का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करते दिख रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में नागपुर में रैली की, जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऐसा क्यों, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने बुधवार को नागपुर के सुरेश भट्ट सभागार में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों को संविधान की लाल किताब बांटी गई। नोटपैड जैसी दिखने वाली इस किताब के सामने वाले हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। वही अंदर के पहले पेज पर प्रिम्बल तथा बाकी के पेज पर कोरे थे। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र विधानसभा से पहले इस घटना के बाद अब बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कोरे कागज का हवाला देते हुए इसका वीडियो वायरल किया। बीजेपी कांग्रेस नेता की इस रैली पर जमकर निशाना साधते हुए कह रही है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो संविधान का अपमान है। पहले आप भी ये वीडियो देखिए। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पलटवार किया। वडेट्टीवार ने कहा, राहुल गांधी के नागपुर दौरे से बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? संविधान सम्मान सम्मेलन में आए हुए मान्यवरों को नोटपैड और पेन दिए जाते हैं, उसी नोटपैड का वीडियो बनाकर इस तरह की बेतुकी आरोप लगाना दूर दूर तक समझदारी नहीं दिखाता। राहुल गांधी नागपुर आए तो बीजेपी वाले इतने घबरा क्यों गए? फेक नैरेटिव बनाने वालों, डरो मत, संविधान और राहुल गांधी समय समय पर तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करेंगे, यह तो बस शुरुआत है। बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को संविधान के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस तब आरोप लगा रही थी कि बीजेपी फिर सत्ता में आई और 400 सीट आई तो संविधान बदल देगी। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी से गठबंधन के साथियों के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब तक नहीं छोड़ा है। इससे पहले भी कई रैलियों में राहुल गांधी संविधान की कॉपी मंच से लोगों को दिखा चुके हैं। खैर, अभी तक इस मुद्दे पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।